हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्टी एंड डिलीशियस फूड बाय ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज बहुत अच्छी रेसिपी हम बनाते हैं। तो ये है आम का श्रीखंड, मार्केट से लाया हुआ नहीं है, घर का ही है। तो इसके लिए देखिए हमें आम लेने हैं। तो ये अल्फांजो 2 मैंने आम ले लिए हैं और थोड़े से ये धोकर साफ़ करके और फिर इसको अच्छी तरह से इसका पल्प हमें ग्राइंडिंग जार में डालना है। तो इस तरह से पूरा पल्प आप अच्छी तरह से निकाल लें, वेस्ट ना होने दें। तो मैंने अच्छी तरह से दोनों आम को छील भी सकते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ छीला नहीं है, चम्मच से इसको पल्प को उतारा है और इसका एक हमें स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। तो ये लीजिए, देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है आम का। अब हमको श्रीखंड बनाने के लिए मैंने दही लिया था और इसको करीब 3-4 घंटे के लिए इस तरह जाली पर छोड़ दिया था। तो ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा दही तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह से तैयार कर लें, और अगर रेसिपी आपको देखनी है तो चैनल पर है, वहाँ से आप देख लें हंकड़ की रेसिपी किस तरह से आप घर पर तैयार करें। वैसे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, अच्छी तरह से देखनी है तो आप वहाँ से देख लें। तो ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर इसका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप इसी तरह से तैयार करें। ऐसा जब होगा, जब दही में बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं होगा, तो आपका श्रीखंड बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल क्रीमी बनेगा और मार्केट से बिल्कुल बेहतर बनेगा, क्योंकि वो आपने खुद ने बनाया है। अब हम इसे स्मूथ कर लेंगे। वैसे तो ये स्मूथ है, लेकिन एक बार इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका टेक्सचर दिखे और आपको पता चले कि ये कितना ज़्यादा क्रीमी है। आप इस तरह से घर पे बनाइएगा, बिल्कुल कम लागत में, बस आम और दही और कुछ चीज़ें आपको डालनी है और आपका श्रीखंड बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो अब हम इस श्रीखंड बनाने के लिए मैंगो का ये पल्प दही में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है एक बात का कि आपको इसको इस तरह से मिक्स करना है। देखिए अभी इसमें जब हम इसको मिक्स करेंगे तो वाइट पार्टिकल और येलो पार्टिकल अलग अलग थोड़ा दिखेंगे। वाइट पार्टिकल थोड़े थोड़े से बीच में दाने दाने के रूप में दिखेंगे, तो ये हमें नहीं दिखाने हैं। तो असली श्रीखंड तभी तैयार होगा जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पहले हम इसमें थोड़ी सी पाउडर शुगर मिला लेते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल लिए हैं, आप इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको हम मिलाना शुरू करेंगे। तो पहले तो मैं इसी स्पैटुला की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन बाद में हम इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अब मैंने थोड़े से इसमें केसर के धागे डाल दिए हैं ताकि इसका कलर थोड़ा इन्हेंस हो, और कलर थोड़ा सुंदर जब दिखता है तो खाने की चीज़ का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से पीला कलर उसमें आ रहा है और बीटर की मदद से हमें काफ़ी टाइम लगेगा, थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट तो लगेंगे ही, मैंने थोड़ा जल्दी से आपको दिखा दिया है। तो ये देखिए इस तरह से जब आप मिक्स करते रहेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी कि जब आप इसको उठाएंगे तो फ्लफ़ी तरीके से ये बन जाएगा, जैसे व्हिप्ड क्रीम केक के ऊपर लगाने वाली होती है, तो जब आप उसको गिराएंगे तो भी नहीं गिरेगी। तो उसी तरीके का टेक्सचर हमें इसका चाहिए। तो तब तक हमें इसको बीट करते रहना पड़ेगा, और बीट करते 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 ये फ्लफ़ी होगा। और एक कंडीशन वो आएगी कि जब आप इसे चम्मच पर लेंगे या बीटर पर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से चिपका रहेगा, गिरेगा नहीं। ये देखिए चम्मच से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो चम्मच में भी जैसे भर लिया है, तो देखिए अब खुद से गिराएंगे नहीं गिरेगा, ये इसको झड़काना पड़ेगा। तो यही इसकी असली पहचान है, श्रीखंड सही आपका बना है। तो इसी कंडीशन तक आपको उसको बीट करना है। तो ये आपका बिल्कुल श्रीखंड बनकर तैयार है, आम का श्रीखंड। आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो एक बाउल में निकाल लेंगे और मुंह में बिल्कुल इसका स्वाद आ रहा है, और बनाते बनाते इसकी इतनी खुशबू हो रही है कि इच्छा करेगी कि बस ऐसा ही खा लूँ। लेकिन बस थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो इसमें डालने का थोड़ा वेट कर रही हूँ खाने के लिए। तो इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ऊपर से इसको हम सजाएंगे।
तो ये देखिए बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इस पे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डाल रही हूँ, आम के छोटे छोटे से पीसेस डाल रही हूँ, जैसा आपको पसंद है आप वैसा इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने पिस्ते डाल दिए हैं, ये देखिए केसर के थोड़े से लच्छे इस पे डाल दिए हैं थोड़ा सुंदर दिखने के लिए। और भी इस पे आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं, गुलाब की पत्तियों से सजा सकते हैं। तो मैंने इस पे हर कलर डालने के लिए, ये देखिए थोड़ा सा सिल्वर कलर के लिए मैंने थोड़ा सा इस पे पेपर भी लगा दिया है, चांदी का वर्क भी और गुलाब की पत्ती भी लगा दी है। तो देखिए कैसा लगा आपको ये आम का श्रीखंड, आप इसको घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सभी कहेंगे कि ये बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा बना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।